बीपीएससी अगर आपको क्रैक करना, बीपीएससी के किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी किए हुए आप ये सोचेंगे कि लूसेंट क्राउन पढ़ के हम बीपीएससी क्रैक कर लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए, मेहनत अच्छी तरीके से किया जाए ताकि आप आपका जो गोल है सेट गोल पे ध्यान दीजिए और खुद स्वाध्याय कीजिए। यहाँ जो मिलता है अपने आप से मेहनत कीजिए, कम से कम नहीं पढ़ सकते कम से कम 7 से 8 घंटा निश्चित पढ़िए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और खास करके करंट अफेयर्स का कि किसी भी कंपटीशन में देखिए बीपीएससी में ही 8 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है और 8 में मेरा 7 करंट अफेयर सही हुआ था, सिर्फ ऐसा कोचिंग क्लासेस की वजह से हुआ था। बहुत अच्छा पढ़ाई होता, मैप के अनुसार यहाँ पे पढ़ाई होता और सर जी का जो रोज़ क्यूज होता है हमको ये बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। वो जो अभी बने हैं भैया वो मेरे ही क्लास में बिहार पुलिस के बैच में पढ़ते थे और हम लोग के साथ ही पढ़ते थे। मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। सर जो देते हैं पीडीएफ देते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसे क्वेश्चन भी मिलता है। मेरी मम्मी भी बीपीएससी का एग्जाम दी थी तो हम जो यहाँ पढ़े थे मम्मी को कुछ कुछ बताए तो उनको मेरी मम्मी भी बोली कि हाँ मिलता है क्वेश्चन यहाँ से। अगर आप बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका ये सपना ऐसा कम्पिटेटिव क्लास में साकार हो सकता है। और इस बार भी इस कोचिंग से 3 विद्यार्थी बीपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम में सफलता प्राप्त किए हैं। छात्र यहां पर खड़ा होकर पढ़ने के लिए व्यवस्था है तो आप इस कोचिंग का पढ़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। छात्र से जानते हैं, छात्र भी बताएंगे किस तरह के यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था दी जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 विद्यार्थी बीपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करके इस कोचिंग का नाम रोशन किए हैं कि यहाँ पर पढ़ाई व्यवस्था काफ़ी बेहतरीन है, तभी तो यहाँ पर से पढ़ाई करके बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई थी टारगेट बैच में आई थी बिहार पुलिस का, मुझे इनका कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया मैंने। और मैं अदर स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आगे एक बार ट्राई करें, उनको फोर्स नहीं है कि वो आए और ज्वाइन ही करें, एक बार ट्राई करके देखें उनका कॉन्टेंट अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम बनाते हैं आपके जन्मदिन, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग को यादगार और बेहतरीन। हमने आपके पारिवारिक समारोह के लिए बनाई है एक शानदार योजना। हम परोसते हैं लजीज भारतीय व्यंजन आतिथ्य और आत्मीय सत्कार भाव से। हम उत्कृष्ट सेवा के उच्च मानदंडों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपके पारिवारिक आयोजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी को यादगार एवं बेहतरीन बनाने के लिए होटल हर्ष गार्डन अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। पधारे, स्वागत है आपका। चाहेंगे ऐसा क्लास एक दा आके जरूर देखें, यहाँ पे मैप के अनुसार पढ़ाया होता है और रोज़ क्यूज होता है और दरोगा के लिए स्पेशली बहुत अच्छा बेटर क्यूज करवाते हैं सर। और हम भी अभी दरोगा की तैयारी करने आए हैं लेकिन बिहार पुलिस के बैच में आते इस बार हो जाए तो अच्छा, नहीं तो दरोगा की तैयारी करें। यहाँ आने के बाद 4th या 5th दिन मेरा क्लास का होगा तो यहाँ आने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो पूरा हाई हो गया है, ऐसा लग रहा है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। यस, आइए हम आपको उस स्टूडेंट से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने बीपीएससी एग्जाम में सफलता हासिल करके इस कोचिंग का और अपने माँ बाप का नाम रोशन किए हैं। मेरा घर भागलपुर जिले के थाना बिहपुर में पड़ता है। भागलपुर जिले से हैं और मैं जब पहली बार ऐसा कोचिंग आया था तो बहुत सारी बातें लेके आया था कि कैसा कोचिंग होगा, कैसा वहाँ पे पढ़ाई होगा, किस तरह हम लोग तैयारी करें, क्योंकि इससे पहले 5-6 साल पहले हर जगह हम ट्राई कर चुके थे और हर जगह बेसिकली देखते थे कि किताब को रटाया जाता है, लूसेंट हो या स्पीडी हो या एनसीईआरटी का बुक रटाया जाता है, लेकिन यहाँ आके हमको पता चला कि बिना बुक के सहारे हम लोग पीडीएफ से यहाँ पढ़ सकते थे। जिस दिन से हमको पीडीएफ मिलता हम उस दिन से किताब पढ़ना ही छोड़ दिए और हर बार पीडीएफ से पढ़ते थे और उसको रिवाइज करते थे और उसको बेसिकली याद करते थे। इसका श्रेय पहला आप किसे दे रहे हैं? इसका श्रेय पहला मैं आलोक सर को देता हूँ। अपने माता पिता से भी बढ़कर? देखिए माता पिता से बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन माता पिता के बाद यदि दूसरा कोई है तो आलोक सर है। क्या कहना चाहते हैं अदर स्टूडेंट से जो आपके जैसे बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके वो भी एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई शिक्षक बनना चाह रहे हैं, किस तरह से आप प्रॉब्लम को झेलते हुए यहाँ इस स्थान को प्राप्त किए आप? तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जितने भी
स्टूडेंट यहाँ पे हैं, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे आप यहाँ पे बिहार पुलिस का ही तैयारी क्यों नहीं कर। सर इस तरह से पढ़ाते हैं, उनका पीडीएफ इस तरह से होता है, या बिहार पुलिस का तैयारी क्यों नहीं कर। उसी पीडीएफ से आप बिहार एसएससी का तैयारी भी हो जाएगा, आपका बीपीएससी का तैयारी हो जाए। क्योंकि हम जब यहाँ पे बिहार पुलिस का तैयारी करते थे, उस समय हम बिहार पुलिस का सिर्फ तैयारी करते थे, ना कि बीपीएससी का। जब हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी एक अच्छा स्कोर किया, मात्र एक दो नंबर के लिए मेरा मेन बीपीएससी छूटा था। और सर का पीडीएफ जो है बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे जो अभी बीपीएससी के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में किस तरह का माहौल था और किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपके तरह और जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी बीपीएससी के शिक्षक बन के समाज सेवा कर सकें। बीपीएससी से जो क्वेश्चन है, आजकल पुराने ढंग से जो क्वेश्चन बनता था पहले की हिस्ट्री से उठा दिया, जहाँ मन तहाँ से उठा दिया, लेकिन अभी जो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आता है, मॉडिफाई होता है, थोड़ा सा डीपली उठाया जाता है। मान चले झील लेना है तो पूरा अंदर झील जो मतलब रटा रटाया होता है कभी, मतलब नॉर्मल ढंग से मतलब ऊपर ऊपर नहीं, वो अब मेनली अंदर से लिया जाता है क्वेश्चन, वहाँ से लिया जाता है, ताकि बच्चों को मतलब जो भी पढ़ने वाला किताब पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मल पढ़ते हैं लेकिन अंदर तक जा ही नहीं पाते, इसलिए उसका नहीं हो पाता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रणदेश सुमन है। इस बार मैं हाई स्कूल का टीचर बना हूँ। हाई स्कूल के शिक्षक? हाँ, हाई स्कूल का टीचर बना हूँ। चलिए, इस कोचिंग के प्रोप्राइटर आलोक सर से मिलाते हैं, जिनके मार्गदर्शन से अभी 3 विद्यार्थी इस कोचिंग से पढ़ाई करके बीपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करके इस कोचिंग का और अपना नाम रोशन किए हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं, आपके कोचिंग से 3 विद्यार्थी बीपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त किए हैं। हम करंट अफेयर आज तक जो करंट अफेयर कभी हम पढ़वे नहीं करते, क्योंकि करंट अफेयर देखते थे मेरा माथा भारी हो जाता था, एक एक महीना का इतना इतना कैसे याद करेंगे। लेकिन यहाँ जब आए तो 100 एक महीना में मुश्किल से 100 या 150 क्वेश्चन रहता है, लेकिन वहाँ देखते थे क्वेश्चन चर चर 500 क्वेश्चन रहता था, मेरा दिमाग भारी होता, कभी क्वेश्चन छूते नहीं थे। करंट अफेयर पहली बार यदि छुए हैं तो ऐसा कोचिंग क्लास की वजह से। अगर राधा रानी शॉप तो बहुत ही अच्छा है, खासकर चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर अपने बच्ची सबका कपड़ा लेने आए हैं, शर्ट जीन्स टी शर्ट पैंट यही सब। लगभग जब से शॉप खुला है तब से आ रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा शॉप है, रेट भी बहुत अच्छा है। हम राधा रानी शॉप पे जो है वैरायटीज काफ़ी अच्छी मिलती है, कलेक्शन लेडीज़ के लिए अच्छा है, किड्स के लिए अच्छा है, बोर्ड मेबी के लिए अच्छा है। अक्सर आते हैं, हमेशा आते हैं। सबसे पहली बात, ये किसी संस्था का ही मेहनत नहीं होता है, ये मेहनत उन बच्चों का होता है जो दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाते रहता है। इसमें किसी संस्था की बहुत बड़ा योगदान नहीं, बल्कि उन बच्चों का होता है जो अपनी काबिलियत को पहचानता है, जो अपनी क्षमता को पहचानता है और उस क्षमता के अनुसार अपना मेहनत करता है। तो सबसे पहले, इस संस्था से भी पहले, मैं उन बच्चों को, रणधीर सुमन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले अपनी काबिलियत को क्षमता समझा कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो करके दिखाया। तो एक बच्चों में पहली होनी चाहिए अपनी काबिलियत। तो आपको एक फेथ देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, और हमारा एक ही मकसद है कि हम आपसे जितना बहुमूल्य टाइम लेंगे, सूद समेत आपको हम आपको वापस करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि ये टाइम लौट करके आता नहीं है। तो कई बार रणधीर सुमन, कई बार दिलीप जो यहाँ से हुआ बोल रहा था कि सर हम लोग संस्था पर आना चाहते हैं, तो हम लोग इन लोग को रोक रहे थे कि ये एडवर्टाइजमेंट हमको ठीक नहीं लगता है। अच्छा, लेकिन इस कोचिंग से इस बार कितने बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, कितना विद्यार्थी? सबसे पहली बात, मैंने टीचर का कोई बैच नहीं दिया हुआ था। आप समझ सकते हैं कि बिना टीचर का बैच दिए हुए भी, जबकि ये दूसरे बैच में आ रहे थे, फिर भी इनका सिलेक्शन टीचर वाले में हो गया। तो आप समझ सकते हैं, जब स्पेशल बीपीएससी के टीचर का बैच अगर अपने यहाँ आएगा तो उसका जलवा क्या होगा। चलिए सर, आप सबसे पहली बात, किसी भी तरह का क्लास, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, या टीचर का हो, या जनरल बीपीएससी का हो, जब तक हमारी पूरी तैयारी अपने तरफ से नहीं हो जाती है, कंटेंट उस लेवल से तैयार करके हम नहीं रख लेते हैं, तब तक हम बैच को लॉन्च नहीं करते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है। सर आप लिखे हैं बीपीएससी अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं, अगर बीपीएससी का सपना देख रहे हैं, तो ऐसा कोचिंग में आकर आपका सपना साकार हो सकता है। तो आप किस तरह से, किस पैटर्न में पढ़ाते हैं जो बेगूसराय में रहकर बीपीएससी से हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी विद्यार्थी कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा में आइएगा तभी आपका सपना साकार होगा। सपना आपका तभी साकार होगा जब आप अंतर मन से अपनी क्षमता को पहचान लेंगे। दूसरी बात,
ऐसा में आ जाइएगा या किसी कोचिंग में चल जाएगा, ये भी आपके लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा, आपके लक्ष्य को आपकी मेहनत पूरा करेगा। तो केवल एक तरीका है ऐसा का, दो चीज़ें, दो स्तंभ है ऐसा का जो यहाँ से बच्चों को रिजल्ट में मदद करता है। सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, कि बच्चों को अनुभव हो कि आखिर सवाल किस टॉपिक से पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, एक बेसिक अनुभव आ जाता है प्रीवियस ईयर से। दूसरी बात उस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि गया लूसेंट जमाना, लूसेंट का जमाना, अब जमाना आ गया है एनसीईआरटी का। इसीलिए करके बीपीएससी अगर आपको क्रैक करना, बीपीएससी के किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी किए हुए आप ये सोचेंगे कि लूसेंट क्राउन पढ़ के हम बीपीएससी क्रैक कर लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ऐसा में आए या घर पर पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, अगर आप एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर को कवर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है, अगर आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखते हैं तो। क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से जो विद्यार्थी अभी बीपीएससी एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, और आप लिखे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का भी बैच आप लोग स्टार्ट किए हैं, यानी बिहार पुलिस की भी तैयारी कराते हैं दरोगा, तो उन स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं जो आपके पास अभी भी आने में असक्षम है या वंचित है या मालूम नहीं है उन्हें ऐसा कोचिंग कहाँ है? बिहार पुलिस का जो बैच है वो 4.5 से 6 शाम में चल रही है, जो टारगेट बैच है, जो संभावित अगस्त में एग्ज़ाम है उसको लेकर के, आज देखिए संडे का दिन है और ये बिहार पुलिस का बैच है, क्योंकि अगर हम संडे मंडे मनाते रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में, बेरोजगारों के लाइफ में संडे मंडे नहीं आता है, उसके लाइफ में केवल और केवल मेहनत आता है। तो संडे के दिन में भी आप देखिए कि आज 4 घंटा 5 घंटा का क्लास चला है, तो ये 50 दिन का टारगेट बैच है जो 4.5 से 6 तक चलता है। और फाउंडेशन बैच जो दरोगा का बीपीएससी का करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच नया बैच जो है वो मॉर्निंग में 6 से 7.5 और 7.5 से 9 दो बैच स्टार्ट हुआ। जो भी बच्चे इच्छुक होंगे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं।